दो क्लास हो गई आपकी इसमें और 49 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। तो 49 से आगे आ जाएंगे 50वें क्वेश्चन पे। अब देखिए 50वां क्वेश्चन पढ़ो आप एक बार। क्वेश्चन में क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 68,621 में जोड़ने पर योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाता है निम्न में से है। ध्यान से सुनेंगे पॉइंट, जब भी ये कहे ना कितना जोड़े या कितना घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वो क्वेश्चन भाग विधि से होना है। किससे होना है? भाग विधि से होना है। हाँ, वर्गमूल निकालने की भाग विधि से वो क्वेश्चन होगा, जब भी ये कहे कि संख्या में कितना जोड़े या कितना घटाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। तो ये भाग विधि से होगा। तो ये जो संख्या है आपकी, इसको आप लिख लेंगे, तो 68,621, ठीक है। इधर से आपको बताया दिया कि सीधे हाथ से जोड़े बनाते हैं, ये लीजिए। और इसमें क्या होता है, जिसका पढ़ा होता है उतनी ही बार पढ़ा जाता है। तो 68 के लिए हम अगर 8, 8, 64 और 9, 81, 9 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 पे चलेगा। कितने पे चलेगा? 8 पे, ठीक है। तो 8 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे, यहाँ भी 8 लिखेंगे, तो 8, 8, 64 होता है, ठीक। अब 8 में से 4 गया तो 4 आएगा, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब या तो इसको इसमें जोड़ के यहाँ लिखते हैं या इसका डबल यहाँ लिखते हैं, तो 8 का डबल कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। अब पूरा पेयर ऊपर से उतारेंगे तो 06 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 06। अब देखो 16 3 48 होते हैं, तो दुनी पे ही चलेगा। कितने पे चलेगा? दुनी पे ही चलेगा। तो यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है, और चला देंगे आप। तो 2 दुनी 4 और 2 छक्का 12 और 2 एकम 2 और 1 3, ठीक। तो 6 में से 4 गए तो 2 बचेंगे और 10 में से 2 गया तो 8 बचेंगे, तो 82 बच चुका है हमारा। अब या तो आप 82 का डबल यहाँ लिखेंगे या 162 में 2 जोड़ के यहाँ लिखेंगे, दोनों बराबर ही होते हैं। तो 162 में 2 जोड़ देंगे आप तो कितना हो जाएगा? 164 हो गया, 164, ठीक है। अब पूरा पेयर आप ऊपर से उतारेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक। अब कितनी बार चल सकता है? 16 5 80 होता है, पंजे पे ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 पे चलना चाहिए। कितने पे चलना चाहिए? 4 पे, क्योंकि इधर से हासिल भी लग के जाएगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 पे चलना चाहिए। पर जब भी ये क्वेश्चन आए ना, क्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तो उस वाले क्वेश्चन में लास्ट में पढ़ा एक बार ज़्यादा पढ़ना है, लास्ट में पढ़ा एक बार ज़्यादा पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक। तो आप 4 बार चलना चाहिए, 5 बार चलाएंगे। कितनी बार चलाएंगे? 5 बार यहाँ पे हम पढ़ा पढ़ेंगे 5 का, ठीक। इस तरह से 5 5 25, तो 2 और 5 20 और 2 22, 5 6 30 और 2 32 और 5 5 5 और 3 8। तो अब देखो ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 4। तो जितना ज़्यादा आएगा वही जोड़ा जाएगा, वही आपका आंसर होगा, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ? चलो नोट करो इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे 51 पे। देखो ये भी जो है जोड़ने वाला है, एक क्वेश्चन तो आपको बता दिया जोड़ने वाला कैसे होना है, समझ तो उसी से आ गया होगा, पर एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ मैं, अगर और इससे अलग जोड़ने वाला आएगा ना कि क्या जोड़े की पूर्ण वर्ग बन जाए, वो क्वेश्चन आपको ही करने होंगे, क्योंकि तरीके आपको सिखा दिए हैं, आप ही को करने हैं। तो एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ मैं 51, इसमें भी यही कहा है 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली वह न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वो क्वेश्चन भी तो यही था और ये भी यही है, तो 2 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसे आप भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, भाग विधि से क्या निकालेंगे? वर्गमूल, ठीक है। अब 4 पे चला लेंगे आप, 5 पे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 4 पे चलाते हैं, ठीक। तो 4 चौक कितने होते हैं? 16 होते हैं। कितने होते हैं? 16। तो 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा और 4 और 4 8 हो जाएगा। तो 01 हमने उतार लिया, तो 8 3 24 और 8 5 तो ज़्यादा हो जाएगा भाई, 8 3 24 8 चौक ही ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 3 पे चलना चाहिए, कितने पे चलना चाहिए? 3 पे। पर ये जोड़ने वाला क्वेश्चन है ना, और अब इसका लास्ट होने वाला है, तो लास्ट में एक बार ज़्यादा ही चलाना है, ठीक है। तो 4 पे चला लेते हैं, कितने पे चला लेते हैं? 4 पे। तो 4 चौक 16, 4 8 32 और 1 33, कितना हो रहा है? 33। अब 6 में से 1 गया तो 5, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा आपका? 2 बचेगा, क्योंकि हाँ 3 ही बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 3 ही बच जाएगा आपका, ठीक है। तो 35 ज़्यादा है ये, कितना ज़्यादा है ये? 35। तो जितना ज़्यादा आता है वही जोड़ना होता है, वही आपका आंसर होता है, अगर जोड़ने को पूछता है, अगर जोड़ने के लिए पूछता है तो वही आपका आंसर होता है। और जोड़ने वाले क्वेश्चन में लास्ट में पढ़ा एक बार ज़्यादा पढ़ना होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, और यही बात आपको सिखा रहे हैं। अब जो भी क्वेश्चन जोड़ने वाला आएगा कि क्या जोड़ने की पूर्ण वर्ग होगा, वो क्वेश्चन 50 और 51 के जैसा होना है, आप लोगों को ही करना है, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 52 भी यही है, तो आप ही को करना है ये। क्वेश्चन नंबर 53 भी यही है, आप ही को करना है। क्वेश्चन नंबर 54 घटाने वाला है, इसको देख लेंगे घटाने वाले को, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपको जोड़ने वाले आज बता दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाएंगे आप। 54 में क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। 63,520
20 में से घटाने पर क्या प्राप्त होगा, पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो मैंने आपको बताया है जोड़ने या घटाने के लिए अगर कहेगा तो भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, ठीक। तो इधर से आप जोड़े बनाएंगे, तो इधर से हमने जोड़े बना लिया ये। अब देखते हैं कितने पे चलेगा, 6 के लिए तो हम 2 पे चलेंगे, 2 × 2 = 4, 3 पे तो ज्यादा हो जाएगा, 3 × 3 = 9। और भाग विधि से वर्गमूल जब निकालते हैं तो जिसका पहाड़ा होता है उतनी बारी पहाड़ा हमको पढ़ना भी होता है, ठीक है। तो यहां 2 लिख लेंगे हम, और 2 × 2 = कितने होते हैं 4। अब 6 में से 4 गए तो 2 आ जाएगा, 6 में से 4 गए तो 2। अब इसको इसमें जोड़ के आप यहां लिखेंगे तो यहां तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप अगला पेयर यहां से ले लेंगे, ये लीजिए, ठीक है। अब 5 × 4 कितने होते हैं 20, और 6 × 4 = 24, तो 6 पे तो ज्यादा होना ही है, और 5 पे ट्राई कर लेते हैं हम, तो 5 × 5 = 25, 2 × 5 = 20 और 2 = 22, तो 5 पे सही चल जाएगा हमारा, ठीक है। तो 5 पे कितने पे, 5 पे, 5 × 5 = 25, 2 × 5 = 20 और 2 = 22, तो 5 बार यहाँ पे चला ये हमारा। तो 5 में से 5 गया तो 0 और 3 में से 2 गया तो 1, तो कितना बचा, 10 बच गया है। अब 45 में 5 जोड़ देंगे तो यहाँ तो 50 हो जाएगा, और ऊपर कितना बचा हुआ है 20, तो 20 हमने नोट कर लिया ऊपर से। अब ये 1020 है, ठीक है, और 5 × 2 = 10 होते हैं, 5 × 2 = 10, अगर हम 2 बार चलाते हैं तो यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 × 2 = 4, 0 और ये कितना सही चल जाएगा 2 पे, ठीक है, 3 पे ज्यादा हो जाएगा। तो घटाने वाले क्वेश्चन में जितनी बार चलना चाहिए उतनी ही बार चलाते हैं, जैसे जोड़ने वाले क्वेश्चन में लास्ट में एक बार ज्यादा चलाते हैं, घटाने वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं करते, जितनी बार चलना चाहिए उतनी बार ही चलाते हैं, ठीक है। तो 2 बार चलना चाहिए तो 2 बार ही चलाएंगे, तो 2 बार आप यहां से कपाड़ा पढ़ेंगे तो 2 × 2 = 4 और 2 × 0 = 0 और 2 × 5 = कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बच रहा है, 10 में से 4 गया तो 6 और 1 तो 16 बच गया, तो 16 घटाना होगा, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16। तो घटाने वाला क्वेश्चन ऐसे होना है और जोड़ने वाला क्वेश्चन ऐसे होने जितने भी हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की बात अगर आपसे करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाएंगे। 55 में क्या है, उसने आपसे कहा है वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.000326 से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। 0.000326 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो इसको आप गैस भी कर सकते हो, इसको आप गैस भी कर सकते हो, क्योंकि 326 के आसपास कौन पूर्ण वर्ग संख्या होती है, 324 होती है, 18 का वर्ग 324 होती है ना, तो ये कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा नहीं है, ये 0.000002 ज्यादा है ये, तो उतना घटा दो, ये तो करीब में ही है, ऐसे ही इसको गैस कर सकते हैं हम। तो कितना घटाएंगे, 0.000002, और यहाँ भी 0 लगा लिया, तो आप जैसे ही घटाएंगे 6 में से 2 गया तो 4 और 2 और 3 और 0.000, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या आ गई है, ये क्या आ गया है, पूर्ण वर्ग। अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 6 स्थान पे पॉइंट है तो 3 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, 0.018 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर वो ये नहीं पूछ रहा, वो कह रहा क्या घटाएं, तो इसका आंसर ये होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 55 का, ठीक। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इससे आगे आ जाएंगे 56। तो ये भी मैंने आपको करा दिया है कि किस न्यूनतम संख्या को 61-55 में से घटाया जाए कि उत्तर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इस तरह से होना है, ऐसे ही भाग विधि से वर्गमूल निकालना है, जो शेष बचेगा वो घटाया जाएगा, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 57। अब 57 में क्या है इसको देखते हैं। 57 में बोला गया है, एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाए। जवान कितने हैं, 36,562 जवान हैं, और इनसे ये एक ठोस वर्ग बनाना चाहता है, तो यहां भी आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना पड़ेगा। और आगे इसने ये बोला है, वर्ग बनाए उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए, तो कितने जवान छूटे हैं, तो भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, जो शेष बचेगा वो छूटे हुए जवानों की संख्या होगी, ठीक है, चलिएगा। तो करते हैं स्टार्ट, तो 2 पे तो ज्यादा हो जाएगा तो 1 पे चलाना पड़ेगा, 2 पे ज्यादा हो जाएगा ना, तो 1 पे ही चलाना होगा, तो 1 ही कम 1, ठीक है। अब 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ कितना है आपका, 65, ठीक। अब कितनी बार आप पहाड़ा पढ़ सकते हैं यहाँ पे, अगर 9 बार जाएंगे तो 9 × 9 = 81, 9 × 2 = 18 और 8 कितने हो जाएंगे, 26, तो 9 पे चल रहा है, कितने में चल जाएगा, 9 पे। 9 × 81 = 1 तो हासिल 8, 9 × 2 = 18 और 8 कितने होते हैं, 26, कितने होते हैं, 26 होते हैं, तो 261 है, तो कितना बच रहा है ऊपर से हमारा, 4 बच गया, कितना बच गया है, 4। अब या तो इसका डबल यहाँ लिखो या इसे इसमें जोड़ के, तो 9 और 9 कितने हो जाएंगे, 18, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। अब आप ऊपर से क्या लेंगे, 62 उतार लेंगे, कितना उतार लेंगे, 62। अब कितनी बार चल सकता है, देखो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, तो 2 पे तो ज्यादा हो जाएगा तो 1 बार ही चलेगा, तो 1 बार हम यहाँ 1 लिख लेते हैं, और यहाँ भी हमने 1 लिख लिया, तो 1 के पहाड़ा जब आप पढ़ोगे तो इतना ही आएगा, तो 381 कितना आ गया, 381, ठीक है। अब 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और यहाँ कितने बचे आपके, यहाँ आपके बचे 5, तो हो गए 15, कितने बचे, 5 नहीं
छह ही है, छह ही है, दो में से एक गया तो एक, अब छह में से तो जाएगा नहीं तो कितने हो जाएंगे, सोलह, और सोलह में से आठ जाएगा तो कितना बचेगा आठ, तो अब इक्यासी शेष बचा है। तो वो जो छूटे हुए जवानों की बात कर रहा था उनकी संख्या इक्यासी हो जाएगी, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी इक्यासी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाएंगे। 58 तो देखो 58 में क्या आपको करना होगा, क्वेश्चन नंबर 58 में इसमें इसने बोला है एक संख्या के वर्ग में 51 का वर्ग जोड़ने पर उत्तर 15826 आता है, वह संख्या पूछ रहा है। तो संख्या आप x मान लो और उसने कहा है संख्या के वर्ग में 51 का वर्ग जोड़ने पर, 51 का वर्ग जोड़ने पर उत्तर कितना आता है, उत्तर जो आपका आता है वो 15826 आता है, 15826 आता है। ठीक है, बस आपसे संख्या बुझ रहा है तो पहले तो आप 51 का वर्ग कर लेंगे, ये आपको सिखा रखा है, इस चैप्टर में सिखाया था, कैसे एक्स स्क्वायर आप ऐसे लिखेंगे और प्लस का एक का वर्ग तो एक ही हो जाएगा, अब एक की और पांच की गुणा करके दुगना कर देंगे, एक पंजे पांच का दुगना, दस की जीरो हासिल एक, अब पांच का वर्ग करेंगे 25 और जो हासिल था वो जोड़ेंगे तो 26। ठीक है, तो ये कितना हो गया 26 जीरो एक बराबर ये कितना है 15826। ठीक, अब इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, उधर जाके ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, छः में से एक गया तो पाँच, और दो में से जीरो गया तो दो, और आठ में से छः गया तो दो, और पाँच में से दो गया तो तीन, और एक ये बच गया। ठीक है, तो 13225 सही है, कितना है 13225, और जब इधर से स्क्वायर हटाना होता है तो सामने वाले पर रूट चढ़ाते हैं तो इसका वर्गमूल आपको निकालना पड़ेगा, इसका क्या निकालना पड़ेगा आपको वर्गमूल निकालना होगा। अब ये 13225 है, अब देखो 90 का वर्ग कितना होता है 8100, और 100 का वर्ग कितना होता है 10000, तो ये 100 से ऊपर का वर्ग है, 100 से ऊपर का वर्ग है ये, है ना। अगर हम 110 का वर्ग की बात करें, 110 के वर्ग की बात करेंगे तो 11 का वर्ग 121 होता है, 11 का वर्ग कितना होता है 121, और जीरो डबल हो जाती है तो ये 12100 हो गया, 12100 हो गया, तो ये 110 से ऊपर है। अब 110 से ऊपर लास्ट में 5 115 पे आए, दोनों तरफ का वर्गमूल लेंगे तो इधर का वर्गमूल तो x हो जाएगा और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 115। ठीक है, इससे आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाएंगे। 59, अब 59 में क्या है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 18265 से घटाने पर उसे पूर्ण वर्ग बना दे। तो अभी तो सिखाया था आपको घटाने वाले और जोड़ने वाले क्वेश्चन आप ही को करने हैं। इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 60 पे, क्वेश्चन नंबर 60, अब 60 में देखते क्या है, 60वां जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है गुणनफल 884 गुणा और 686 है और कितना है 686 है, और आपसे क्या पूछ रहा है, को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो इसमें जोड़ी जानी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करें, एक तरीका तो यह है भाई इनकी गुणा कर लो आप और फिर भाग विधि से वर्गमूल निकालो और लास्ट में पढ़ा एक बार ज्यादा लेके जाओ तो गुणा ही इनकी बहुत ज्यादा हो जाएगी। एक तरीका और बन सकता है, ठीक है, तरीका क्या बन सकता है, इसको आप लिखो 685 माइनस एक। ठीक है, तो अब भी तो ये 684 ही है क्योंकि 685 में से एक घटाओगे 684 ही आएगा, और इसको आप लिखो 685 प्लस एक, 685 प्लस एक, तो अब भी तो ये 686 ही है। तो देखो इसको a मानो और इसको b मानो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, तो 685 का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर, इसको गायब कर दो तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी क्योंकि किसी का भी वर्ग करने के बाद कोई भी संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग ही आएगी, है ना, जो भी आए बस इसको हटा दो तो एक का वर्ग तो एक ही होता है तो इसमें ना एक जोड़ दो आप क्योंकि माइनस का एक है ना ये, तो कितना प्लस का एक आप यहाँ जोड़ेंगे तो ये हट जाएगा आपका, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो एक आएगा, कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर एक, इसका आंसर आ जाएगा कैसे, यहाँ प्लस वन जोड़ दो आप और माइनस वन का स्क्वायर भी, तो प्लस यहाँ माइनस वन है जैसे वन का स्क्वायर तो वन ही आएगा नेक्स्ट लाइन में, प्लस वन जोड़ देंगे, लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप इस तरह से, अपने पास से प्लस वन अगर हमने जोड़ दिया तो इसको ये कैंसिल कर देगा, तो क्या जोड़ने पे, एक जोड़ने पे ये पूर्ण वर्ग बन रही है, एक जोड़ने पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक। ठीक है, इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाएंगे। 61 तो देखो इसमें तो करना पड़ेगा गुणा, 61 में तो करना पड़ेगा क्योंकि चार संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं चार संख्याएं हैं, और संख्याएं क्या क्या दी हैं उसने आपको, उसने दिया है आपको 7 × 8 × 9 और गुणा 10। ठीक है, तो गुणा कर लो तो 7 × 8 = 56 और गुणा 9 × 3 = 90, तो जीरो तो ऐसी आ जाएगी, 9 × 6 = 54 = 5, 9 × 5 = 45 और 5 कितना हो गया 50, तो 50 से 40 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी क्या संख्या जोड़ी जानी चाहिए, बस अब इसका हमें क्या निकालना है, इसमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना है, भाग विधि से क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है, तो इधर से आप गैस कर लेंगे मतलब पेयर बना लेंगे और स्टार्ट कर लेंगे आप यहाँ पे, तो 50 के लिए तो 7 पे चलेगा ना, कितने पे चलेगा 7 पे, तो 7 × 7 = 49, तो कितना बचा एक बचा, कितना बच गया है हमारा एक बच गया है। ठीक है, अब 7 और 7 कितने हो जाएंगे 14, और हम यहाँ से ऊपर से क्या लेंगे 40 ले लेंगे, तो कितनी बार चल सकता है ये, हाँ
140 है ना ये, और अगर हमने एक यहाँ पे लिख दिया तो ये कितनी बार जाएगा, 141 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 141 बार, तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो जोड़ने वाले क्वेश्चन में बाद में एक बार ज़्यादा ही पढ़ना होता है हमें, तो आप एक बार ही चला दो। इस पर कितनी बार चला देंगे आप, एक बार यहाँ चलाएंगे तो कितना जाएगा 141, तो ये कितना ज़्यादा है, एक। तो एक जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी, एक जोड़ने पर ये क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग। तो इस क्वेश्चन का आंसर एक ही हो जाएगा 61 का, ठीक है। 62, 709 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े, तो आपको बता दिया है जोड़ने और घटाने वाले अगर पूर्ण वर्ग वाले क्वेश्चन है तो भाग विधि से वर्गमूल आपको निकालना है और इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो इसे नोट कर लो आप। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 63। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 63 में पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे, गुणा करने या भाग करने के लिए अगर कहता है कि कितने से गुणा करें या कितने से भाग करें कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, गुणनखंड विधि है। तो इस क्वेश्चन में यही कहा गया कि किससे गुणा करना चाहिए, तो आपको गुणनखंड विधि यूज करनी होगी। और गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, फैक्टर हमको करने होते हैं। तो 21600 के फैक्टर हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितने से कैंसिल होगा, पहले तो दो से ही, तो दो ही कम दो, और दो अट्ठे 16, और दो जीरो ऐसे ही आ जाएंगे आपका, और दो पंजे 10, दो चौक 8 और 0, ठीक है। और फिर दो से, तो दो दूनी 4, दो सत्ते 14, ठीक है। फिर दो से, तो दो ही कम दो, दो तिया 6, दो पंजे 10, अभी भी दो से हो जाएगा, दो छिक्का 12 है, दो सत्ते 14 और दो पंजे 10, अब दो से नहीं होगा, ठीक है। तो अब तीन से ट्राई करेंगे हम यहाँ पे, तो तीन से करते हैं, तो तीन दूनी 6, तीन दूनी 6 और तीन पंजे 15, अब भी ये तीन से हो जाएगा, तो तीन से फिर ट्राई करते हैं, तीन सत्ते 21 और बचा कितना, एक हो गए 15, तीन पंजे 15, अब भी ये तीन से हो जाएगा, तो तीन से अब ये कितनी बार होगा, 25 बार, ठीक है। इससे आगे 5, तो 5 पंजे 25 और 5 ही कम 5, अब कंप्लीट ये हो गया है। क्वेश्चन क्या था कि 21600 में कितने की गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तो गुणा करना हो या भाग करना हो तो, और पूर्ण वर्ग बनाना हो तो गुणनखंड विधि का यूज करते हैं इस तरह से। और पूर्ण वर्ग अगर कोई संख्या होती है तो वो पेयर में उसके गुणनखंड होते हैं, जोड़े में उसके गुणनखंड होते हैं, ठीक है। तो ये तो पेयर में है यहाँ, ये भी पेयर में है यहाँ, अच्छा ये भी पेयर में है और ये भी पेयर में। पेयर में कौन नहीं है, एक तो तीन नहीं है, तो एक तो तीन की आवश्यकता पड़ेगी, और एक दो नहीं है, एक दो की आवश्यकता पड़ेगी। तो दो गुणा तीन, दो गुणा तीन मतलब 6 की गुणा अगर हम इस क्वेश्चन में कर दें तो ये संख्या 21600 पूर्ण वर्ग हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6। एक बात और सुनेंगे कि अगर ये क्वेश्चन हो कि कितने से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग आए, तो जो आंसर याब आया है, अगर क्वेश्चन ये होता कि कितने से भाग करें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तब भी यही आंसर आएगा, तब भी आंसर आपका यही आएगा। क्योंकि भाग करने के लिए क्या बताया जाता है, जो फालतू के फैक्टर होते हैं उनको हटा दिया जाता है। तो ये दो फालतू है और एक ये तीन फालतू है, तो इसको हटा दो, तो दो तिया 6, तो कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा अगर भाग करने की बात आती है, ठीक है। तो गुणा या भाग दोनों का आंसर सेम आता है पूर्ण वर्ग में, पूर्ण घन में चेंज हो जाता है। गुणा का आंसर अलग होता है और भाग का आंसर अलग होता है, ठीक है। अब इससे आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाएं। 64 में क्या है, 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। एक क्वेश्चन और बता रहे हैं आपको पूर्ण वर्ग बनाने वाला, गुणा वाला, उसके बाद कोई और क्वेश्चन आएगा तो आप ही को करना होगा वो, ठीक है। अब 64 पे देखते हैं, तो इसमें भी गुणा करने के लिए ही उसने बोला है, और कितना है 5808 फैक्टर हम करेंगे, क्योंकि जो गुणा और भाग के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग करना होता है। तो दो से डिवाइड करेंगे पहले, तो दो दूनी 4 और दो निम 18, 0 और दो चौक 8, फिर दो से करेंगे तो दो ही कम दो, दो चौक 8, दो पंजे 10 और दो दूनी 4, फिर दो से करेंगे दो सत्ते 14, दो दूनी 4 और दो छिक्का 12, फिर दो से करेंगे दो तिया 6, दो छिक्का 12 और दो तिया 6, अब तो दो से कैंसिल होगा नहीं, तो अब कितने से करेंगे हम, तीन से करेंगे, कितने से करेंगे तीन से, तो तीन ही काम तीन, तीन दूनी 6 और तीन ही काम तीन, अभी फिर तीन से करेंगे तीन ही कम तीन, ठीक है। तो अब तो ये तीन से कैंसिल होगा नहीं हमारा, तो 121 किससे कैंसिल होगा, 11 से कैंसिल होगा, तो 11 से करेंगे, कितने से करेंगे अब इसको हम, 11 से करेंगे, ठीक है। तो 11 ही कम 11 बचा एक, और 11 ही कम 11, अब फिर 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 ही कम 11, ठीक। तो गुणा करने के लिए कह रहा था, तो दो दो के पेयर बनाएंगे, तो यहां तो पेयर आपका बना हुआ है, ये भी पेयर बना हुआ है, ये भी पेयर बना हुआ है, तो किसकी कमी है, एक तीन की कमी है, तो तीन की गुणा करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तीन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तीन। अगर इसी क्वेश्चन में यह कहता कि कितने से भाग करें कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए, तो जो फालतू उसको हटा दो, तो एक तीन फालतू उसको हटा दो, तो तीन से ही भाग होगा, तीन से क्या होगा इसका, भाग हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाएंगे, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 980 को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग, तो इनके जैसा ही होना है, आप ही को करना है। इससे आगे जाएंगे 66, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 980 को गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग, तो आप ही को करना है ये भी।
67 पे आ जाएंगे, 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण घन, अब देखो पूर्ण घन वाला क्वेश्चन आ गया है तो 67 पे आ जाएंगे, 67 पे पूर्ण घन वाले पे, तो इसमें संख्या क्या है आपकी 1323, कितने हैं 1323, और ये कह रहा है कि कितने से गुणा करें कि ये पूर्ण घन हो जाए, पूर्ण घन, अब पूर्ण घन कहे या पूर्ण वर्ग कहे, गुणा भाग में गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो दो से तो ये कैंसिल होगा नहीं, तीन से कर लें, कितने से कर लेंगे तीन से, तो तीन चौक 12 और तीन चौक 12 और तीन ही काम 3, ठीक है, अब भी ये दो से नहीं होगा, तीन ही से हम यहाँ ट्राई करेंगे दोबारा से, तो तीन ही काम 3, बचा कितना 1, हो गए 14 और 3 चौक 12, बचे कितने 2, हो गए 21 और 3 सत्ते 21, ठीक है, फिर 3 से करेंगे तो 3 चौक कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, बचे 2, हो गए 27, 3 नेम 27, अब आपको पता है 49 किससे कैंसिल होगा, 7 से कैंसिल होता है, तो 7 से करेंगे तो 7 सत्ते 49 और 7 ही कम 7, ठीक है, तो पूर्ण घन को कह रहा है इस बार, तो पूर्ण घन में 3-3 के जोड़े होते हैं, कितने के जोड़े होते हैं 3-3 के, तो इसका तो कंप्लीट पेयर है, यहां एक 7 की कमी है, किसकी कमी है, अगर एक 7 और हो जाएगा तो 7 के भी पेयर हो जाएगा 3 का, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3, इस क्वेश्चन का 7, इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा 7 आ जाएगा, पर अगर इसी क्वेश्चन में ये कहता कि कितने से भाग करें कि ये पूर्ण घन हो जाए, तो जो फालतू है उन्हें हटा दो, तो ये 7 और ये 7 फालतू है 3 के जोड़े से, तो 7 सत्ते 49 तब इस क्वेश्चन का आंसर आता, ठीक है, 68 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 68, उस न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए, पूर्ण घन तो इसके जैसा ही है अभी तो बताया बिल्कुल, तो आप ही को करना है, 69 पे आ जाएंगे, उस न्यूनतम संख्या जिससे 1440 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो के अंकों का योग क्या होगा, के अंकों का योग क्या होगा, तो इसमें मात्र इतना काम और हमारा फालतू हो जाएगा, जो संख्या आएगी उसके अंकों को जोड़ना होगा, चलो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, तो इसमें क्या संख्या है 1440 है, 1440 है, फैक्टर करते हैं तो 2 से कैंसिल हो रहा है शुरू में, तो ये तो 2 सत्ते 14, ठीक है, और 2 दुनी 4, ठीक है, अब 2 3 6 और 2 6 12, ठीक है, और 2 1 2, 2 8 16, ठीक, और 2 9 18 और 0 ऐसे ही, और 2 से कितनी बार 45 बार हो जाएगा, अब 3 से करेंगे तो 3 से ये कितनी बार हो जाएगा 15 बार, और फिर 3 से करेंगे तो 3 से ये कितनी बार हो जाएगा 5 बार, अब 5 से करेंगे, कितने से करेंगे 5 से, तो 5 ही कम 5, अब ये पूर्ण वर्ग के लिए बोल रहा था या पूर्ण घन, तो पूर्ण घन के लिए कह रहा था, तो घन में तो 3-3 के पेयर बनाते हैं, तो ये कितना हो गया 1, और तो किसी के बन ही नहीं रहे, और तो किसी के बन ही नहीं रहे, तो एक तो 2 की कमी है ना, और 1 3 की कमी है, और 2 5 की कमी है, 5 की कितनी कमी है 2 5 की कमी है, हाँ, तो जिस जिसकी हमने गुणा करी है उनकी गुणा होगी, तो एक तो हमने इस 2 की करी है, 3 की करी है, इस 5 की और इस 5 की, तो 2 × 3 × 5 × 5, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 6 और 6 5 30 बताएंगे योग भी, 2 3 6 6 5 30 और 30 में 5 की गुणा करो 150, तो जो संख्या आई है उसके अंकों का योग पूछ रहा है, जो संख्या से गुणा करनी है उसके अंकों का योग पूछ रहा है, तो संख्या तो 150 आ गई, अब इसके अंक जोड़ दो, तो 1 5 0 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 6, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 69 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाएंगे, 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए, देखो भाग वाला है ये, भाग वाला हो या गुणा वाला हो, गुणनखंड विधि से ही करते हैं, पूर्ण घन या पूर्ण वर्ग, तो 3600 है तो 3600 के पहले हम फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 1800 हो जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 900 हो जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा, और फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 2 4 2 2 4 2 5 10, अब 3 से कैंसिल करना होगा तो 3 7 21 और 3 5 15, अब फिर 3 से कैंसिल करना होगा तो 25 हो जाएगा, अब 5 से कैंसिल करना होगा तो 5 5 25 हो जाएगा, फिर 5 से करना होगा तो 5 ही कम 5 हो जाएगा, ठीक है, अब इसने पूछा क्या था कि 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि पूर्ण घन हो जाए, तो पूर्ण घन में भी 3-3 के पेयर होते हैं, तो एक तो यहाँ पेयर बना हुआ है ये 3 का यहाँ तक, ठीक है, और किसी का पेयर नहीं बना हुआ, तो ये सब फालतू है, तो जो फालतू है उतने से भाग करनी पड़ेगी, उतने से क्या करनी पड़ेगी भाग, भाग क्यों करनी पड़ेगी, आप यहाँ देखो जरा बताते हैं थोड़ा सा आपको, इसके जो फेयर आए हैं ये है 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, ये इसके पेयर आए, तो ये तो पेयर सही है 3 के उसमें है, अब जो जो फालतू उतने से भाग कर दो, 1 2 से भाग कर दो, 1 2 3 से भाग कर दो, 2 5 से भाग कर दो, तो इनको ये कैंसिल ना कर देंगे, 2 से 2 3 से 3 3 से 3, 5 से 5 5 से 5, तो बस ये बच जाएंगे आपके, तो ये पूर्ण घन संख्या बच जाएगी आपकी, तो ये जो नीचे वाले हैं या ऐसे समझ लो जो पेयर में ना हो उन सबको हटा देते हैं, उतने से भाग करनी होती है, तो उतने ही तो है ये, तो ये कितना 2 3
6 6 18 18 5 90 और 90 5 कितने हो जाएंगे 9 5 45 450। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 450 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है करो नोट 71 पे आ जाएंगे। इसमें है 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए ताकि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, है ना। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, फैक्टर करने हैं आपको, आपको सिखा दिए हैं, आप लोग भी करने की कोशिश किया करें। 72 है कम से कम कौन सी संख्या से 16 53 75 को गुणा किया जा सकता ताकि इसे सही घन बनाया जा सके। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, फैक्टर करने हैं, तीन तीन के पेयर बनाने हैं, जो तीन की कमी में उनको आप पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाएंगे। हाँ वो बता तो दिया आपको कई सारे क्वेश्चन बेटा, अलग थोड़ी क्वेश्चन है ये, वही तो क्वेश्चन है। 73 एक व्यक्ति अपने बाग में 51 84 संतरे के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्ति रहे जितनी एक पंक्ति में पेड़ है। देखो जब भी ये क्वेश्चन आए ना, उतनी ही पंक्ति रहे जितने एक पंक्ति में है, तो इस केस में वर्गमूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वर्गमूल निकालते हैं। तो आपको इसका वर्गमूल निकालना है और कुछ नहीं करना है 51 84 का। अब वो आप पे डिपेंड है कि आप इसको गुणनखंड विधि से निकालेंगे या भाग विधि से निकालेंगे, तो भाग विधि से ही कर लेते हैं। ठीक है, किससे कर लेते हैं? भाग विधि से। वैसे आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, क्योंकि वर्गमूल क्या निकलेगा और लास्ट में कितना है 4, लास्ट में कितना है 4। तो भाई आपका पहला ऑप्शन देखो 70 है, पहला ऑप्शन क्या है 70 है, दूसरा ऑप्शन आपका 72 है, तीसरा ऑप्शन आपका 75 है और चौथा ऑप्शन आपका कितना है 81 है। तो केवल देखो एक की एक में गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, 4 तो आने का नहीं है। 5 की 5 में गुणा करेंगे 5 ही आएगा, लास्ट में 4 है नहीं आने का। 0 की 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, नहीं आने का, 2 2 4, तो 72 ही इसका आंसर आएगा। पर करके देख लेते हैं, तो करते हैं देखो, तो 51 के लिए 7 पे चलाएंगे, कितने पे चलाएंगे 7 पे, तो 7 बार हम यहाँ पे पढ़ा पढ़ेंगे तो 7 7 हो जाएंगे 49, 11 में से 9 गए तो 2 बचेगा, आपने उतार लिया कितना 84 और 7 आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब इसको इसमें जोड़ के यहाँ लिखेंगे तो कितना लिखेंगे यहाँ 14, कितना लिखेंगे 14। ठीक है, अब 14 दूनी देखो 28 होता, 2 बार चल जाएगा, ये कितनी बार चल जाएगा 2 बार, तो 2 दूनी 4 और 2 7 2 7 4 8 हो जाएगा और 2 ही कम 2 हो जाएगा, तो 2 बार चलाया था तो ये पूर्णतः डिवाइड हो गया, तो ये आंसर होता जब वर्गमूल निकालते। तो 72 इस क्वेश्चन का आंसर होना था, तो आप चाह रहे थे तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। ठीक है, इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 74 पे। अब ये जो 74 क्वेश्चन है इसको भी आप ऑप्शन से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 ऑप्शन से करने में ज़्यादा आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले, इसने कहा 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपये का योगदान दिया है। टोटल बॉयज और गर्ल्स 60 हैं और प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए दिए हैं जितनी कक्षा में लड़की हैं, और प्रत्येक लड़की ने उतने रुपए दिए हैं जितने कक्षा में लड़के हैं। ठीक है, और ऐसे करने पर कुल 1600 रुपए इकट्ठे हुए। कितने रुपए इकट्ठे हुए? 1600 रुपए इकट्ठे हो गए हैं, तो कक्षा में कितने लड़के हैं ये पूछना चाह रहा है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल जो आपके स्टूडेंट हैं वो हैं 60। कितने हैं? 60 हैं। अच्छा, वो लड़कों की संख्या पूछ रहा तो ऑप्शन में लड़के ही होंगे, है ना। तो हमने मान लिया जी हमें पहला ही आंसर लग रहा है, तो पहला तो 50 है, पहला क्या है 50 है, तो बॉयज हमने 50 मान लिए, तो गर्ल्स कितनी बची? गर्ल्स तो गर्ल्स तो 10 ही बचेंगी फिर, क्योंकि टोटल तो 60 है ना, टोटल कितना है 60। अब कंडीशन ये है, ये लड़कों ने हर लड़के ने उतने रुपए दिए जितनी कक्षा में लड़कियां हैं, तो लड़कियां तो 10 है, तो 50 लड़के हैं, कितने लड़के हैं 50, तो हर लड़के ने 10 रुपए दिए, तो कितने रुपए इकट्ठे हुए 500, कितने हुए 500, और हर लड़की ने उतने रुपए दिए जितने कक्षा में लड़के हैं, तो कक्षा में लड़के 50 हैं, तो हर लड़की ने 50 रुपए दिए तो कितने रुपए हुए 500, तो ये तो टोटल 1000 ही हुए। टोटल कितना हो रहा है 1000, जबकि क्वेश्चन में टोटल है 1600, तो ये तो आंसर है नहीं इसका, ये इसका आंसर नहीं है। फिर इसका अगला ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या है इसका? डाटा। और तीसरा क्या है? 20। तो उसने लड़कों की संख्या पूछी है तो ऑप्शन में लड़कों की संख्या 20 होगी और टोटल 60 है, तो लड़की कितनी हो जाएंगी 40। ठीक है, अब देखो प्रत्येक लड़के ने कितने रुपए दिए जितनी कक्षा में लड़की थी, तो लड़की तो कक्षा में 40 थी, तो प्रत्येक लड़के ने 40 रुपए दिए, तो 20 ने 40 40 देंगे तो कितना हो जाएगा 800, तो ये तो लड़कों से हुआ। अब लड़की कितनी है 40 और प्रत्येक लड़की ने कितने रुपए दिए जितने कक्षा में लड़के थे, और लड़के कितने हैं 20, तो 40 की और 20 की गुणा करेंगे तो फिर 800, तो टोटल कितना हो रहा है हमारा 1600, कितना हो गया 1600। तो और किसी ऑप्शन से ऐसा नहीं होगा, किताब के अकॉर्डिंग भी 1600 ही है। तो बॉयज हमने कितने माने थे 20, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। ठीक है, चलेगा 75 पे आ जाएंगे। एक मालिश 17 956 पेड़ लगाना चाहता है तथा उन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि वहां उतनी ही पंक्ति हो जितना एक पंक्ति में पेड़। अभी तो समझा रहे थे, जब ये कहे उतनी पंक्ति जितना एक पंक्ति में, तो वहां भाग विधि से वर्गमूल, मतलब वर्गमूल निकाल लो भाग विधि से या गुणनखंड विधि से, वो आपकी टेंशन है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं होना, 17956 का भाग विधि से वर्गमूल आपको निकालना है। बात समझ में आ गई? चलिएगा इससे आगे आ जाएंगे। अब देखो 76 इसने दोबारा से रिपीट कर दिया है क्वेश्चन, जो 74 है वही 76 है, 76 और 74 एक ही क्वेश्चन है।
76 और 74 आपका एक ही क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई आपको? चलिएगा इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 77 पे। क्वेश्चन नंबर 77 पे इसमें देखते हैं क्या है 77 में। इसमें बोला गया है n के किस मान के लिए 34n एक पूर्ण घन होगा। 34n एक पूर्ण घन होगा जहां 34n एक तीन अंकों की संख्या है, है ना, पूर्ण घन बोला ना इसने। क्या पूर्ण घन? तो ज्यादा बड़ी संख्या तो है नहीं, आप वैसे भी गैस कर सकते हो इसको। देखो पहला ऑप्शन दो है, अगर हमने यहां दो रख दिया तो हमें पता 342 किसी का घन नहीं होता। और दूसरा ऑप्शन तीन है, कितना है तीन, और अगर हमने यहां तीन रख दिया और ये कितना है 343, हमें पता है 343 सात का घन होता है। 343 किसका घन होता है? अगर हमने चार रखा तो 344 किसी का घन नहीं होता, पांच रखा तो 345 भी किसी का घन नहीं होता। तो इसका आंसर तीन हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? तीन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पे आ जाएंगे। 78 देखो कैसे करेंगे 78 को। इसमें क्या है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग तो 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। वर्गों का योग कितना है? वर्गों का योग है 100, हाँ, और वर्गों का अंतर कितना है? वर्गों का अंतर है 28, ठीक है। अच्छा हमने आपको एक बात सिखा रखी है, यदि किन्हीं दो संख्याओं का योग और अंतर तुम्हारे पास हो और तुम्हें बड़ी वाली संख्या निकालनी हो तो योग अंतर को जोड़ के आधा कर देते हैं, और अगर छोटी निकालनी हो तो योग अंतर को घटा के आधा कर देते हैं, पर वो उन संख्याओं का योग और अंतर होता है। ये संख्याओं का योग अंतर नहीं है, संख्याओं के वर्गों का योग अंतर है, संख्याओं के वर्गों का योग अंतर है। पर चलो फिर भी देखो बड़ी संख्या, ये पूछना क्या चाह रहा है वैसे आपसे, इसने कहा है उन संख्याओं का योग, तो दोनों ही निकालनी पड़ेंगी। तो पहले बड़ी संख्या निकालते हैं। कौन सी संख्या निकालते हैं? तो बड़ी को क्या बताया था, जोड़ के आधा, तो जोड़ के कितने हो जाएंगे 28, और आधा करने के लिए किसी का भी दो से भाग करते हैं, दो छक्का 12, दो चौक 8, ठीक है। अब इसका तुम्हें ना वर्गमूल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये संख्याओं का योग और अंतर नहीं है, संख्याओं के वर्गों का योग अंतर है, तो इसलिए वर्गमूल लेना पड़ेगा आपको। तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है। अब छोटी संख्या निकालते हैं, कौन सी निकालेंगे, छोटी संख्या निकालते हैं, ठीक है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कैसे निकालते हैं, योग और अंतर को घटा के आधा कर देते हैं। तो 100 में से 28 घटाओ तो 10 में से 8 गया तो 2, और 9 में से 2 गया तो 7, तो 72, और आधा करना आपको बता रखा तो कितना आ गया 36। पर इसका हम ना वर्गमूल लेंगे, क्योंकि ये वर्गों का योग और अंतर है, तो वर्गमूल निकाल के संख्या आ जाएगी तो 6। तो ये हमारी बड़ी संख्या आ गई, ये छोटी संख्या आ गई, इनका योग बूझ रहा है, तो 8 और 6 कितना होता है 14, तो इस क्वेश्चन का आंसर 14 हो जाएगा। तो इस तरह से आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 79, दो संख्याओं का योग 29 है, उनके वर्गों का अंतर 145 है, संख्याओं का अंतर क्या है। देखो इसने आपको इस बार क्या दिया है, इसने कहा है दो संख्याओं का योग, संख्या हमने ना ए और बी मान ली, तो दो संख्याओं का योग कितना है, वो है 29, ठीक, और आगे क्या दिया है, और उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर वो कितना है 145 दिया है, वर्गों का अंतर, ठीक है। अच्छा आपसे क्या पूछना चाह रहा है ये, तो उन संख्याओं का अंतर कितना होगा, उन संख्याओं का अंतर, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको खोल दो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हाँ भाई, इसकी जगह ये रख सकते हैं, और बराबर में क्या है हमारा 145, और हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू है, तो यहाँ रख दो a प्लस बी का मान यहाँ, और कितना है 29, तो यहाँ हम 29 रख देंगे, तो 29 इंटू ए माइनस बी। अच्छा 29 की a माइनस बी में गुणा हो रही है, तो गुणा वाले से तो बराबर वाली संख्या को भाग किया जाता है, तो इससे आप इसको भाग कर दें, है ना। अब देखो 5 निम 45 को 5, और 5 दूनी 10 और 4 14, तो इससे ये 5 बार कैंसिल हो रहा है, कितनी बार कैंसिल हो रहा है 5 बार, इससे ये कैंसिल हो जा रहा है आपका, तो a माइनस बी कितना आ गया है आपका 5 आ गया, कितना आ गया है 5, और ये आपसे उन संख्याओं का अंतर ही पूछ रहा था, तो ये अंतर ही तो आ गया है। तो कुछ नहीं करना, आराम से ऐसे भी कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, तरीके और बहुत हैं, पर सबसे सरल यही है आपका, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाएंगे, तीन क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 23-30 हो। देखो 80वां क्वेश्चन है, 80वां इसने क्या कहा है, तीन क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 20-30 हो, तो बीच का पूर्णांक क्या है। हमने जब पहला वाला चैप्टर शुरू किया था तो आपको एक बात सिखाई थी कि पूरे मैथ में कहीं भी क्रमागत शब्द आ जाए तो वो क्वेश्चन हमें औसत से करना है, और औसत बीच वाला होता है। औसत क्या होता है, और औसत होता क्या है, योग बटे संख्या, योग बटे, तो योग कितना है 20-30, हाँ कितनी संख्याओं का, तीन संख्याओं का, तो औसत होता है योग बटे संख्या। अब तीन से डिवाइड करो, तीन छिंग 18, बचे कितने दो, हो गए 23, 3 सत्ते 21, तो कितने बचे, दो बचे, हो गए 20, 3 छिंग 18, 3 छिंग कितने हो गए 18, अभी भी दो बच रहे हैं, तो दशमलव लगा के 20 करेंगे, फिर 3 छिंग 18, अब दशमलव छः छः ही आता जाएगा, तो अब लगभग में हमको लेना है। तो अगर दशमलव छः छः हम यहाँ लिखेंगे तो बाद में फिर भी हम क्या करेंगे, इसके आसपास की पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे,
इसके आसपास की हम क्या लेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वर्गों का योग नहीं होता था वहां, संख्याओं का योग होता था, किसका योग होता था, और औसत निकालते थे, योग बटे संख्या, योग बटे संख्या, तो वो इस तरह पॉइंटों में नहीं आता था, पर ये संख्याओं का योग नहीं है, उन संख्याओं के वर्गों का योग है, तो इसलिए इसके आसपास की जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो ले लेंगे, तो 676 ही पूर्ण वर्ग संख्या है, 676 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, और ये किसका वर्ग होती है, 26 का, तो इसका ना हम वर्गमूल ले लेंगे, और वर्गमूल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये संख्याओं का योग नहीं है, संख्याओं के वर्गों का योग है, इसलिए वर्गमूल ले रहे हैं, ठीक है, तो वर्गमूल कितना आ गया इसका, 26, और हमने आपको बताया था कि औसत बीच का होता है, क्रमागत वाली संख्या में औसत कौन सा होता है, बीच का, तो वो बीच की संख्या बुझ रहा है, ये बीच की ही संख्या है आपका, बीच की बुझ रहा ना, तो ऑप्शन होगा 26 जरूर, ठीक है, तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और अगर तुम ऐसे ना करोगे तो फिर तो ये ऐसे जाएगा, पहली संख्या मानी x, दूसरी हो जाएगी x प्लस 1 और तीसरी हो जाएगी x प्लस 2, और इनके वर्गों का योग है, इनके किसका योग है, वर्गों का योग है, और वो कितना है, वर्गों का योग है 20 30, फिर इसको करते रहना आप, ठीक है, यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, यहाँ भी a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, और ये स्क्वायर है ही तो द्विघात बनेगी, क्या बनेगी, द्विघात बनेगी, तो अगर तुम्हें इससे बचना है तो फिर ऐसे लगभग में लेना होगा, कैसे लेना होगा, लगभग में, वरना इससे तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है, अब जिसको ये समझ में ना रहा हो वो इसको सोल्व कर लेना, इस वाले को, इससे आगे चलो 81 पे आ जाएंगे, किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए तो शेष पर 48 आता, वह पूर्णांक क्या है, देखो अगर इस क्वेश्चन को लिख के करने की बात है तो सीधी सी बात है, किसी एक ही संख्या का वर्ग और घन अगर लिया जाए तो घन ही बड़ा होगा, किसी एक ही संख्या का वर्ग और घन लिया जाए तो घन ही बड़ा होगा, तो इसने कहा है किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाएं, तो संख्या एक्स मान लो, तो एक्स का घन और एक्स का वर्ग में से घटाएं तो कितना आ रहा है, 48, कितना आ रहा है, 48, तो ये तो x की क्यूब हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लेना होगा, फिर अंदर क्या बचेगा, बाहर तो x स्क्वायर और अंदर x माइनस 1 बराबर 48, तो ये लंबा क्वेश्चन खींच जाएगा, तो आप इसे ना ऑप्शन से कर लो, किससे कर लो, ऑप्शन से, तो वो संख्या बूझ रहा है, तो जिस ऑप्शन के घन और वर्ग का अंतर 48 आ जाए वही आंसर, तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो कितना है आपका, 8, कितना है, तो 8 का घन तो 512 होगा और 8 का वर्ग 64 होगा, तो 512 और 64 में तो बहुत ज्यादा अंतर है, अंतर दिखाना बस 48 का, तो ये आंसर नहीं है, फिर 6 है, तो 6 का वर्ग 216 होता है और घन 216 होता है और वर्ग केवल 36 ही होता है, तो ज्यादा अंतर है, यहाँ नहीं होगा, अब जैसे 5 है तो 5 का घन तो 125 ऊपर जा रहा है, 125 और वर्ग केवल 25 ही होता है, तो अंतर तो 100 ही आएगा, अब बचा 4, तो यही इसका आंसर ही बनेगा, इसका घन और वर्ग में अंतर 48 का आना चाहिए, तो इसका जो घन होता है वो कितना होता है, 64 और वर्ग कितना होता है, 16, तो घटाओ 14 में से 6 गए तो 8 है और 5 में से 1 गया तो 4, आया नहीं आया 48, तो किससे आया, 4 से, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को, ठीक, नोट करो।